हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। अपने इस लेक्चर में हम लोग अब वैदिक काल का जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था क्लास वन और क्लास टू में, अब उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम करेंगे और इनके माध्यम से देखेंगे कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर हम उन चीज़ों को भी शामिल कर लेंगे क्वेश्चंस के रूप में जिनको हमने क्लास वन और क्लास टू के लेक्चर में नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, नियोग प्रथा ये वैदिक काल की एक प्रथा है, और नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता था, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्रज। ध्यान रखिएगा, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहते थे। और ध्यान रखेंगे, नियोग प्रथा का संबंध संतान प्राप्ति से ही है। नियोग प्रथा का समर्थन, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछा गया है। नियोग प्रथा का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भी किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी नियोग प्रथा का समर्थन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नियोग प्रथा का समर्थन किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक भी लिखी थी। तो नियोग प्रथा वैदिक काल की एक प्रथा है जिसका समर्थन स्वामी दयानंद ने भी किया है, और नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होती थी उसे क्षेत्रज कहा जाता था। जैसे उदाहरण के लिए, एक पुरुष एक महिला, उनका विवाह होता है और पुरुष की मृत्यु हो जाती है और महिला की कोई संतान नहीं है, तो महिला का संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर उस महिला का कोई पुत्र है तो संपत्ति में अधिकार होगा, लेकिन पुरुष की तो मृत्यु हो चुकी है और महिला की संतान नहीं है। तो इस स्थिति में महिला अपने पति के छोटे भाई से विवाह करती थी और उससे जो संतान उत्पन्न होती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता था, और इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भागदूत के से क्या तात्पर्य है? भाग दूध लिखा हुआ है, भाग दूध से क्या तात्पर्य है? ये भी वैदिक काल का ही एक शब्द है, भागदूत। जो इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं उनको आज हम लेकर आए हैं थोड़ा, तो शुरुआत में हमने उनको ही रखा है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको ध्यान रखना। भागदूत से क्या तात्पर्य है? तो भागदूत कौन होता था? कोषाध्यक्ष, कर एकत्र करने वाला अधिकारी, सेना का प्रमुख या राजा का प्रमुख परामर्शदाता। तो ध्यान रखिएगा, राजा का जो प्रमुख परामर्शदाता था उसको तो पुरोहित कहा जाता था। राजा के प्रमुख परामर्शदाता को क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे। सेना के प्रमुख को सेनानी कहते थे, सेना के प्रमुख को सेनानी कहा जाता था। कोषाध्यक्ष होता था कोष इकट्ठा करने वाला, और कर एकत्र करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। तो कर एकत्र करने वाला अधिकारी कौन होता था? भागदूत हुआ करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ए सी और डी ये आंसर नहीं होंगे। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? हमने पढ़ा था वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल यानी कौन सा वेद होगा? तो ऋग्वेद। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल। और 10वें मंडल में कौन सा सूक्त? तो 10वें मंडल का पुरुष सूक्त। तो यहाँ पर इसके बारे में एक कंप्लीट बात है, कितने वर्ण है पुरुष सूक्त में? तो चार वर्णों की बात मिलती है, चार वर्ण। और चार वर्ण कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने इस बात को आपको बताया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। तो वैदिक, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द, ये जो वर्ण शब्द है ये हमको देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में। इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद होगा। अगला आपको सुमेलित करना है, एक तरफ वेद दिए हैं और दूसरी तरफ दिया है इनमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन से वेद में क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहला है अथर्ववेद, फिर ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद। अब देखिए मैच करना है आपको, तो सामवेद को हम किससे मैच कर सकते हैं? तो सामवेद मैच हो जाएगा आपका सामवेद संगीत से। तो डी का फोर होगा, तो जहां लास्ट में ये एबीसीडी उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, डी का फोर। तो डी का फोर, देखिए डी का फोर इसमें और इसमें मिल रहा है, यानी आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इनको काट दीजिए। अगला है ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो ईश्वर की महिमा। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा वन, तो बी का वन हो जाएगा। इसके अलावा अथर्ववेद में औषधियों का संबंध, तो ए से थ्री हो जाएगा। और यजुर्वेद में बलिदान की विधि मिलती है, युद्ध से संबंधित मंत्र मिलते हैं, तो इसका ये, अब इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 3, 1, 2, 4, इसको आराम से याद कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित भी है, इसके अलावा तंत्र मंत्र और जादू टोना ये भी इसी में देखने को मिलता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताना है, और मैंने जब आपको पढ़ाया है तो हमने वहां पढ़ा कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण एक कौस्तकीय ब्राह्मण। तो यहाँ पर आप एक बार सुनिए, ऐतरेय ब्राह्मण दिया हुआ है, यही इसका आंसर है। इसके अलावा गौपत ब्राह्मण कह रहा है, तो गौपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? गौपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। कौन सा वेद? अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण, इन दोनों का संबंध यजुर्वेद से है, इन दोनों का संबंध यजुर्वेद से है, तो इसको भी ध्यान रखना। और ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तकीय ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? ये ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मैंने आपको बताया था, जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, चार वेद जो हमारे हैं, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। तो वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनको मिलाकर वैदिक साहित्य बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? तो पहले तो ध्यान रखेंगे, मोक्ष के बारे में जो वर्णन मिलता है वो वैदिक साहित्यों में से उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? उपनिषद में। ये जो उपनिषद है, उपनिषद में हमको मोक्ष की चर्चा मिलती है। लेकिन अब अगर सवाल थोड़ा डीप पूछेगा तो ये पूछेगा कौन से वेद में मोक्ष की चर्चा है, कौन से वेद में? तो ध्यान रखना है, ये वेद है श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर वेद उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में हमें मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है, और श्वेताश्वतर का मतलब होता है, इसका सवाल पूछा जाता है, सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया, ठीक। पूछा हुआ सवाल भी है, किस उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ों से है? तो सफेद घोड़ा माने श्वेताश्वतर, इसका श्वेत अश्व, श्वेत प्लस अश्व, श्वेताश्व ऐसे करके हो जाएगा, ध्यान रहेगा, श्वेताश्व, श्वेत माने सफेद, अश्व माने घोड़ा। तो इसमें उपनिषद आंसर होगा। तो मोक्ष की चर्चा यहां पर मिलती है, माया और मोक्ष दोनों को कहां देखने को मिलेगा हमें? श्वेताश्वतर उपनिषद। अगला क्वेश्चन, यम और नचिकेता का संवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा कठोपनिषद में, कठोपनिषद में, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है, यम और नचिकेता का संवाद देखने को मिलता है इसमें, कठोपनिषद में, ठीक। और छांदोग्य उपनिषद के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर देवकी नंदन, देवकी नंदन कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख किसी उपनिषद में अगर है तो वो है छांदोग्य उपनिषद, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो कि हमारे ज्ञानपीठ से भी जुड़ी हुई है, और वो बात मैं आपको एक बार बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद से ही तमसो मां ज्योतिर्गमय लिया गया है। आप ज्ञानपीठ की टैगलाइन देखते होंगे, उसके नीचे लिखा रहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, नहीं देखिए तो आज देखिएगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है या फिर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर ज्ञानपीठ लिखा हुआ है और नीचे लिखा है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का जो लाइन है वो कहां से ली गई है? ये बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां लिखा हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद से। ऐसे ही एक लाइन है सत्यमेव जयते, वो ली गई है मुंडक उपनिषद से। कौन सा उपनिषद है? मुंडक उपनिषद, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बाद वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया वैदिक साहित्य में चार हैं, क्रम बता रहा हूं, पहले वेद आते हैं, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। तो देखिए कहां पर है, तो पहले वेद आते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, बाकी गलत है, इस तरह से नहीं है, ध्यान रखेंगे। और ये वाला तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वेदांग दिया हुआ है और स्मृतियां दी हुई हैं, ये वैदिक साहित्य में आते ही नहीं है। ये तीन आते हैं लेकिन इसमें सही क्रम ये ऊपर वाला है, इसको ध्यान रखेंगे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण वैदिक काल में क्या कहा गया है? तो सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है, ध्यान रखेंगे। पहले तो देखिए मातेतमा, मातेतमा कहा गया है सरस्वती को, सरस्वती को मातेतमा कहा गया है, जाह्नवी गंगा को कहा गया है, और अश्किनी चिनाब को कहा गया है, बच कौन गया? हिरण्याई, तो हिरण्याई कहा गया है सिंधु को। तो आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को वैदिक काल में हिरण्याई कहा गया है। हिरण्याई किसे कहा गया है?
तो ये कहा गया है सिंधु नदी को, इस बात को ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन अमूमन लोगों को पता नहीं रहता, तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा एग्जाम में एज दिला देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों में वर्णित प्रमुख शासक और उनका राज्य क्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए उपनिषदों में कुछ शासकों के नाम मिलते हैं और उनका राज्य क्षेत्र मिलता है कहाँ उन्होंने शासन किया था, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सबसे पहला है विदेह, ये राज्य लिखे हुए हैं, ये राज्य हैं और ये राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, ठीक। तो राजा का नाम है जनक और राज्य दिखा रहा है विदेह, ये बिल्कुल सही है। जनक जो है वो विदेह के राजा है, उपनिषदों में इनका उल्लेख मिलता है, विदेह के राजा है जनक, बिल्कुल सही है। इसके बाद राजा अश्वपति कैकई के राजा हैं, कैकई प्रदेश के, बिल्कुल सही है। इसके बाद है प्रवाहन जाबाली, ये पांचाल के शासक हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी अभी तक एक दो तीन लगातार सही हैं। फिर बचा अजातशत्रु सूरसेन का है, ये गलत है, इसका मतलब इसका आंसर यही होगा यहाँ पर, अजातशत्रु सूरसेन के शासक हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। और ध्यान रखिएगा उपनिषदों में अजातशत्रु को काशी का शासक बताया है, कहाँ का? काशी का, काशी का शासक बताया गया है वेदों में। एक अजातशत्रु की हम बात करेंगे तो मगध का भी अजातशत्रु देखने को मिलता है हरेक वंश में, लेकिन यहाँ उपनिषदों में जिसकी चर्चा है वो काशी का शासक अजातशत्रु है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर काशी के शासक अजातशत्रु की बात मिली है, मैंने यहाँ सूरसेन लिखा है तो सूरसेन गलत हो जाएगा, ठीक है। सूरसेन मथुरा को कहा, मथुरा को के क्षेत्र को कहा जाता था, और सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा हुआ करती थी, ठीक। चलिए तो इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, तो अजातशत्रु वाला सुमेलित नहीं है। बाकी इन तीन के नाम याद कर लीजिए, उपनिषदों में पांचाल के शासक प्रवाहन जाबाली बताए गए हैं, केकय के शासक अश्वपति बताए गए हैं, विदेह के शासक जनक बताए गए हैं, और जनक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? अब देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा, महाभारत काल की बात कर रहा है और महाभारत काल में महानदी का उल्लेख महाभारत पुस्तक के भीष्म पर्व में आता है। कौन से पर्व में? भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में आता है, ठीक है। महाभारत में 18 पर्व हैं टोटल, अभी मैं महाभारत के बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन महाभारत में नदी, ये जो महानदी है इसका नाम भीष्म पर्व में आता है, और इस नदी को चित्रोत्पला के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से? चित्रोत्पला। तो महाभारत काल में महानदी को किस नाम से पुकारा गया है? तो आप कहेंगे चित्रोत्पला के नाम से इसको पुकारा गया है, और महाभारत के भीष्म पर्व में इसका वर्णन आता है, भीष्म पर्व, ठीक है। चलिए अगला है, चलिए पहले मैं यहां आपको बता देता हूं एक बार महाभारत के बारे में। महाभारत एक महाकाव्य है, दो महाकाव्य हमारे यहाँ धार्मिक महाकाव्य हैं, एक है महाभारत एक है रामायण। तो पहले हम महाभारत को देखते हैं। महाभारत की अगर हम बात करें तो इस महाभारत का जो प्रारंभिक नाम है वो था जय संहिता। क्या नाम था इसका? नाम जय संहिता। और जय संहिता में 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक? 8800 श्लोक। इसके बाद इसका नाम पड़ा भारत, किसी पुस्तक का नाम बाद में पड़ता है भारत, और इसमें 24000 श्लोक थे, 24000 श्लोक। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 से ज्यादा हो गई, 1,00,000 मान लीजिए, 1,00,000 हो गई, 1,00,000 श्लोक हो गए इसमें, और इसका नाम हो गया महाभारत। तो इस तरह से इसका नाम बदला है और महाभारत नाम ऐसे पड़ा, और 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम महाभारत को एक नाम से और जानते हैं, इसे कहते हैं शत सहस्त्री। शत माने 100, सहस्त्री माने हजार, 100,000, देखिए 100,000, 1,00,000, शत सहस्त्री, 1,00,000 को संस्कृत में शत सहस्त्री कहा जाता है, शत सहस्त्री संहिता। तो अगर सवाल आ जाता है शत सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं, तो महाभारत को कहते हैं। ये इसका एक क्रम है, प्रारंभिक नाम जय संहिता है जिसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे, उसके बाद 24,000 श्लोक हुए तो इसका नाम भारत पड़ गया, और इसके बाद 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम महाभारत पड़ा, और महाभारत को 1,00,000 श्लोक होने के कारण शत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है महाभारत के बारे में। और महाभारत में जो चैप्टर्स हैं उनको पर्व में बांटा गया है, और कितने पर्व हैं टोटल? तो 18 पर्व हैं। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। महाभारत के संकलनकर्ता कौन है? तो किसने लिखा है? तो महर्षि वेदव्यास, इसके द्वारा लिखी गई है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा। इनका नाम था कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन, वेदों का संकलनकर्ता भी कृष्णद्वैपायन को कहा जाता है, इसी कारण से उनका नाम वेदव्यास पड़ा, वेदों का संकलन करने वाले वेदव्यास, ठीक है। चलिए तो महाभारत के बारे में हमें कम से कम इतनी बातें याद रखनी है, और इसका जो 18 पर्व है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्व है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व, और इसी भीष्म पर्व में आपको महानदी का उल्लेख मिलता है, और महानदी को चित्रोत्पला के नाम से यहाँ पर पुकारा गया है। आई होप
इतनी बातें आप लोगों की समझ में आई होंगी, और जितना अभी तक आपको कंटेंट दिया गया है उसका लगातार प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे किसी भी प्रकार से जुड़कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कल मैं इसीलिए लाइव आया था ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा जुड़ पाऊँ और समझ पाऊँ कि आप क्या क्या चीज़ें समझ पा रहे हो, क्या चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। और मुझे लाइव बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और आपने रिवीजन पहले भी जो चीज़ें पढ़ाई गई उनको अच्छे से रिवाइज कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी कमी अब बची हुई है वो यहाँ पर हमारे इस तरह के कंटेंट के माध्यम से पूरी हो जाए, ठीक है। आगे भी हम चीज़ें नई नई लाते रहेंगे, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस जोश के साथ तैयारी में लगे रहिए। देखिए तैयारी में क्या होता है ना कि जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद हमने तैयारी अपनी उसी स्पीड से घटा दी, तो वो स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, स्पीड अपनी मेंटेन रखनी है हम लोगों को, ताकि एग्ज़ाम अब किसी भी समय हो तो हम एग्ज़ाम में प्रॉपर अपना 100% परफॉर्मेंस दे पाएँ, ठीक है। वो होगा कैसे, वो प्रैक्टिस से होगा, बार बार लगातार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस पर अपना प्रॉपर ध्यान दीजिए। अगर खाली बैठे हैं, अगर नहीं आपका मन कर रहा है पढ़ने का, तो टेस्ट दे दीजिए, ठीक। आप एप्लीकेशन ज्ञानपीठ की एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, या आपके पास और किसी एप्लीकेशन के टेस्ट हैं, जैसे आपके पास टेस्ट बुक इत्यादि के हैं, तो आप वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और ज्ञानपीठ में जो टेस्ट बनाए गए हैं वो बिल्कुल RO ARO को फोकस करके ही बनाए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारे ऐप पर जाकर, ज्ञानपीठ पर जाकर भी टेस्ट को ले सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई टेस्ट है तो आप उनको भी दे सकते हैं, आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है ऑफलाइन अगर, तो आप उसको भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस आपको लगातार करती रहनी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई, यानी वैदिक काल को मैंने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल की है और कौन सी ऋग्वैदिक काल की है, तो आपसे उत्तर वैदिक काल की पूछ रहा है। तो देखिए पहला, चार पुरुषार्थ और आश्रम, वर्ण व्यवस्था, बहुदेववाद और गौपालन। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में ही गाय का पालन किया जाता था, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा, बहुदेववाद, ये भी आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, यानी ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है, इंद्र की पूजा, वरुण की पूजा, मारुत की पूजा, वरुण देवता की पूजा, अग्नि देवता की पूजा, ये सब हमको देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही इसका उल्लेख है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, यानी ये तीनों व्यवस्थाएं ऋग्वैदिक काल की, ये कब से चल रही हैं, ये ऋग्वैदिक काल से चल रही हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं नहीं चल रही थी और जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, वो है चार पुरुषार्थ और चार आश्रम। तो आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ जो है वो उत्तर वैदिक काल में आता है, और चार पुरुषार्थ कौन से थे मैंने आपको लिखाए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार आश्रम थे। और जब हमने संडे स्पेशल की क्लास, जो दूसरी क्लास थी, वहां पर जब दर्शन हमने पढ़े, भारतीय दर्शन, तो उसमें इसको डिटेल में देखा भी था, एक बार आप वो वाला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आश्रम भी कितने हैं, तो आश्रम भी चार हैं, और मैंने आपको बताया था चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख पहली बार कौन से उपनिषद में मिलता है, तो जाबालोपनिषद में। कौन सा उपनिषद, जाबालोपनिषद। और चार आश्रम कौन कौन से हैं, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इनके लिए आयु क्या क्या है, 5 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के लिए, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ के लिए, 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ के लिए और 75 से 100 वर्ष संन्यास के लिए, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा, ए वाला आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई, तो चार पुरुषार्थ और आश्रम की व्यवस्था ये वैदिक काल में प्रचलित हुई है, और चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कमेंट बॉक्स में आपको फिर से आंसर करना है, अभी मैं आंसर बता चुका हूँ कि तमसो मा ज्योतिर्गमय कौन से उपनिषद से लिया गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय कौन से उपनिषद से लिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखें आप भूले तो नहीं हो, बैक मत करना वीडियो को, ऐसे ही आप आंसर बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी यानी विद्वान महिला वेद मंत्रों की रचना की है, किस विदुषी ने वेद मंत्रों की रचना की है, तो यहाँ पर आपको चार नाम दिए हैं, सावित्री, लीलावती, गार्गी, लोपामुद्रा। तो मैंने आपको कुछ महिलाओं के नाम बताए थे, उसमें लोपामुद्रा का नाम बताया था, अन्य और महिलाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। लोपामुद्रा जिन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी हैं, घोषा, सची, अपाला, विश्ववारा, इन 5 महिलाओं के नाम याद रखिएगा, इन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी हैं, वेदों के मंत्र लिखे हैं, तो उसमें से इनमें से जो छांटना है वो कौन सी होंगी, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री नहीं, ठीक है। इसके आंसर तीनों नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे, लोपामुद्रा इनमें से एक दिया है यहाँ पे आंसर केवल, अगर यहाँ पर 5 में से कोई और भी देते तो 2 आंसर हो जाते, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था। निष्क निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था ऋग्वेदिक काल में? आभूषण के लिए। अब एक सवाल एक बार पूछा गया है एग्जाम में, मैं यही बता देता हूं कि ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था। कौन से आभूषण के लिए होता था? वो आभूषण कहाँ पहना जाता था? कान में पहना जाता था, नाक में पहना जाता था, गले में पहना जाता था, हाथ में पहना जाता था, पैर में पहना जाता था। तो ये बताना था उस क्वेश्चन में, ठीक। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। निष्क जो शब्द आभूषण के लिए प्रयोग होता था वो गले के आभूषण के लिए प्रयोग होता था, यानी गले के आभूषण, यानी गले में क्या पहना जाता है? हार। गले का आभूषण या गले का हार, ठीक। गले के हार को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। और ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था। कौन सा आभूषण? गले के हार के लिए। बाद में उसका प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? तो बाद में उसका प्रयोग सिक्के के लिए होने लगा। किसके लिए होने लगा? सिक्के के लिए। बाद में सिक्कों को निष्क कहा जाने लगा। तो इसको ध्यान रखना है, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण यानी हार के लिए होता था, और बाद में परवर्ती काल में बाद में इसका प्रयोग सिक्के के लिए किया जाने लगा। निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होने लगा? सिक्के के लिए होने लगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर वंशानुचरित। ये पांच चीजें ध्यान रखनी है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर वंशानुचरित, पांचों बिल्कुल क्रम से याद रखना। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर वंशानुचरित, इनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध पुराणों से है। किससे है? पुराणों से। ये संकेतक हैं पुराणों के। तो पुराणों में सर्ग मिलता है, प्रतिसर्ग मिलता है, वंश का मन्वंतर का और वंशानुचरित मिलता है। जैसे राजाओं की जो वंशावलियां हैं वो कहाँ लिखी हुई मिलेंगी? वंशानुचरित में, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ते होंगे पुराणों में, जैसे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक। इसके अलावा आप पढ़ते हैं मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं वायु पुराण, तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से पढ़ते हैं ना कि मौर्य वंश में कौन कौन शासक हुए, तो उनकी वंशावली है वहां पर, वंशानुचरित है उनका वहां पर विष्णु पुराण में। सातवाहन वंश का वंशानुचरित कहाँ पर है? मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की वंशावली कहाँ मिलती है हमको? ये मिलती है वायु पुराण में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन वंशों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने किया। इसके अलावा जितने और क्वेश्चन हैं उनको आप भी कीजिए। मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ जिनको मैंने अपनी क्लास वन क्लास टू में नहीं कराया, तो ज्यादातर क्वेश्चन वही थे। उसके हिसाब से यहाँ पर एक हमारा नया चैप्टर भी बन गया और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर लिए। आई होप ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।